Okay, so guys, welcome again in another new video. So guys, तो finally Mrs. Top आ चुका है और यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बता रखा था कि Mrs. Top आप लोग को देखने को मिलेंगे. So finally यहाँ पे available भी हो चुका है. तो सबसे पहले try और luck पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है और यहाँ पे क्या क्या रिवॉर्ड है. इलाइट पास को अवेलेबल कराया गया है या फिर नहीं, तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं और यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत सारे रिवॉर्ड लेने वाले हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप पे क्लिक करते हैं और स्टॉप पे जैसे क्लिक करेंगे हमें देखते हैं कितने परसेंट मिलने वाला है. भाई साहब मतलब 63, भाई गिरेना वालों ने बहुत कम डिस्काउंट दिया. सो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और चलो गाइस देखते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले रिवॉर्ड चेक करते हैं. तो ये वाला यहाँ पे मेल बंडल को अवेलेबल कराया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस बंडल को. ओके चलो, तो ये बंडल हम यहाँ पे निकालने वाले हैं और ये शायद से मेरे पास पहले से हो सकता है, मतलब होगा, और नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे. ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ है एंड आप लोग को यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है नीचे कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताना. ओके गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से रिवॉर्ड है. और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम स्विच करते हैं एंड चेक करते हैं यहाँ पे लाइट पास को अवेलेबल कराया गया या फिर नहीं. यहाँ पे वाउचर वगैरह भी अवेलेबल है. तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच करने पे अपने को 10 डायमंड लगने वाला है जो कि ग्रेना वाले भाई साहब मतलब अलग ही सीन है ग्रेना वालों के. ओके तो चलो यहाँ पे स्विच करते हैं और यहाँ पे भाई साहब मतलब भाई ओके गाइस, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे एलाइट पास अवेलेबल नहीं है लेकिन ये मेरे अकाउंट में पहले से एलाइट पास है. तो मे भी हो सकता है जिस अकाउंट में पहले से हो भाई उसमें एलाइट पास ना हो, तो एक बार तो चेक करना बनता है कि एलाइट पास अवेलेबल है या फिर नहीं. ओके गाइस, तो यहाँ पे एलाइट पास अवेलेबल है. अगर आपने एलाइट पास नहीं लिया है सो यहाँ पे आप लोगों को शो होगा, अगर आपने एलाइट पास ले लिया है तो आपको नहीं शो होगा. ठीक है, जैसा कि मेरे अकाउंट में हो रहा था, मैंने एलाइट पास पहले लिया था सो यहाँ पे मेरे में शो नहीं हो रहा था. लेकिन जैसे मैंने सेकेंड अकाउंट में भाई टेस्ट किया, भाई एलाइट पास अवेलेबल है जो कि भाई भाई साहब आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है. तो आप लोग के लिए खुशखबरी है कि भाई एलाइट पास अवेलेबल है, तो मतलब सही है फिर. मतलब एलाइट पास अवेलेबल है तो यहाँ पे ये मिशन सब ठीक ठाक हो जाएगा. रिवॉर्ड की बात करोगे तो रिवॉर्ड आप देख सकते हो. अब चलो यहाँ से हम बहुत सारे रिवॉर्ड लेने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से अच्छे रिवॉर्ड है और कौन कौन से रिवॉर्ड हम क्लेम करने वाले हैं. तो सबसे पहले चलते हैं अपने मेन आईडी में. मैंने आपको बता दिया कि एलाइट पास अवेलेबल है तो मतलब एलाइट पास अवेलेबल है, समझ रहे हो. ओके गाइस, तो यहाँ से हम परचेस करने वाले थे. सबसे पहले यहाँ पे हम वाउचर परचेस करने वाले हैं और यहाँ पे जितना वाउचर है उतना ज़्यादा वाउचर हम परचेस करेंगे. सो यहाँ पे चलो इस वाउचर को भी मतलब इनक्यूबेटर वाउचर भी हमने परचेस कर लिया है. उसके बाद यहाँ पे जो जो रेयर आइटम है सारे के सारे रिवॉर्ड को निकाल लेंगे. सो यहाँ पे देखते हैं और भी क्या क्या रिवॉर्ड अवेलेबल है. तो चलो यहाँ पे कुछ भी अच्छा तो मुझे नहीं दिखा, जोड़ा का डेटा अपने पास पहले से तो यहाँ पे सही नहीं है. चलो यहाँ पे स्विच करते हैं और इसमें देखते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें हम परचेस कर लेंगे और यहाँ पे कॉस्ट्यूम भी हम परचेस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अभी देखते हैं क्या सीन है. तो यहाँ पे वाउचर वगैरह ओके स्लाइड करते हैं तो यहाँ एकदम नॉर्मल सा है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं. मतलब ये अपने पास पहले से जो चीज़ अपने पास पहले से उसको लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं होगा. ओके तो चलो एक सीमेंट का टोकन. ओके तो कितने टोकन परचेस कर सकते हैं, तो चलो क्रेट परचेस करते हैं, टोटल हो गए. ओके अभी ओपन भी कर देंगे. ठीक है, तो चलो यहाँ पे भाई साहब कितना कम टोकन मिला अपने को. ओके चलो गाइस, उसके बाद भाई वेपन रॉयल वाउचर सही है फिर. चलो यहाँ पे फिर से हमने वेपन रॉयल वाउचर टेन किया है तो यहाँ पे लिमिट ही खत्म हो चुका है ना, हमने हाईएस्ट परचेस कर लिया है. अभी देखो मतलब वाउचर में हाईएस्ट परचेस किया है. उसके बाद चलो स्विच करते हैं, इस बंडल को भी निकाल लेते हैं. तो ये बंडल शायद से अपने पास नहीं है, होता तो यहाँ पे शो होना चाहिए था, नहीं है तो चलो यहाँ परचेस करते हैं. ओके गाइस, तो ये बंडल अपने पास आ चुका है. चलो आप लोग को दिखाते हैं मिस्ट्री शॉप बंडल. ओके गाइस, तो ये वाला बंडल अपने पास पहले से है, मतलब देख रहे हो भाई, मतलब हमने नहीं लेना चाहिए था फिर भी हमने ले लिया. ओके कोई नहीं, चलो यहाँ पे फाइनली ये मेरे पास पहले से था और मैं कंफ्यूज था क्योंकि ये मिस्ट्री शॉप पहले भी आया है, मतलब बहुत पहले आया था. ओके तो गाइस यहाँ पे वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक करना, आपको 90% डिस्काउंट मिला नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना. तब तक लेट्स टेक गुड बाय एंड टेक केयर.